सो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भाइयों का आप ही के अपने छोटे से यूट्यूब चैनल गेमिंग एरिया के अंदर। तो जैसे कि आप लोगों को पता, आप सभी लोग यहाँ पे काफी लंबे टाइम से वेट करते हुए आ रहे हो BGMI के ट्रेलर का, या फिर दोस्तों BGMI के रिलीज डेट का। आप लोगों को पता यार, कब से लेके हम लोगों को यहाँ पे जो है प्री रजिस्ट्रेशन के ही हम लोग को फोटो देखने को मिल रहा है, या फिर दोस्तों उसी की वीडियो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। वीडियो की स्टार्ट में आप लोगों को यहाँ पे पहले से ही बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत जो है BGMI को यहाँ पे नहीं होने वाली। एंड गाइस, जब आना होगा BGMI को उसी टाइम पे हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं पहले क्लियर इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि काफी लोगों को यहाँ पे ये ना लगे कि मैं आप लोगों के लिए कोई क्लिक बेट बना रहा हूँ, या फिर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है कोई टेंशन क्रिएट कर रहा हूँ BGMI से रिलेटेड। जो भी मार्केट में नया हुआ है ना गाइस, आई थिंक मुझे लग रहा है कल या फिर परसों ही हुआ है, उसके बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दूंगा। एंड काफी सारे लोग जो है इस लेटर को देखने के बाद काफी डर चुके हैं, ऑब्वियसली बात यार, यही यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई हमारा गेम जो है यहाँ पे और डिले हो जाएगा, या फिर दोस्तों कभी हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे उस लेटर के बारे में, कि उस लेटर में यहाँ पे ऐसे क्या लिखा हुआ है, वो जो लेटर है हमारे लिए यहाँ पे कैसे दिक्कतें पैदा करता है। तो गाइस सर, पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर दोस्तों मान लीजिए कोई बड़ा आदमी भी है, वो बिना रीजन के यहाँ पे ऐसा कहता है, किसी को भी लेटर लिखता है बिना रीजन के कि भाई गेम को यहाँ पे बैन कर दो, तो हम लोग को भी लगता है कि हाँ यार फालतू लाइक लिखा जा रहा है लेटर, एंड ऑब्वियसली बात है फालतू हमारे गेम को बैन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर कोई आप लोग को यहाँ पे रीजन दे रहा है, रीजन करने के साथ देने के साथ दोस्तों ऐसा कह रहा है कि भाई इसको बैन कर दो, तो पहले हम लोग को यहाँ पे जो है वो रीजन को समझना चाहिए, उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पे उस पर्सन को हेट करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने काफी अच्छे रीजन दिए हम लोग को यहाँ पे, जिस रीजन को जानना हमारे लिए भी जरूरी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं उस लेटर में ऐसा क्या लिखा हुआ है, ऑब्वियसली बात है ये जो लेटर है यहाँ पे किसने लिखा है। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आ चुकी है, इन ए लेटर ऑफ यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, बेसिकली ये जो लेटर है हमारे यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद को लिखा है अरविंद धर्मपुरी, जो एक मेंबर रह चुके हैं पार्लियामेंट के निजामाबाद में, ठीक है। उन्होंने बेसिकली यहाँ पे जो है लेटर लिखा है हमारे यूनियन मिनिस्टर को, जहाँ पर उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हैं। मैं आप लोगों को जो मोस्ट ऑफ द पॉइंट है वो आप लोगों को यहाँ पे समझा दूंगा। वैसे अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो आर्टिकल की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। बेसिकली उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे ये लिखा कि जो हमारा डाटा जो है, जो हमारा सर्वर होने वाले हैं सिंगापुर, एंड ऑब्वियसली बात है हमारे इंडिया के अंदर यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे ऐसा कहा है कि उन दोनों सर्वर्स के ऊपर भी यहाँ पे जो है चाइना का हाथ हो सकता है, तो आप लोग एक काम करो, बेसिकली जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे एक बार चेक करना चाहिए दोनों सर्वर्स के ऊपर, कि कोई भी किसी तरह का यहाँ पे चाइना कंपनी का या फिर दोस्तों चाइनीज का यहाँ पे हाथ तो नहीं है, या फिर कोई भी डाटा जो यहाँ पे चाइना की तरफ से यहाँ पे लेके नहीं जा रहे हैं उसके ऊपर दोस्तों ऑब्वियसली बात है उन्होंने यहाँ पे एक जो फर्स्ट हेडलाइन है उन्होंने यहाँ पे बोली है। ऑब्वियसली बात है हम लोगों को भी यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारे डाटा जो जहाँ पर रिस्टोर होने वाला है वहाँ पे कोई चाइनीज कंपनी का तो हाथ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सेकंड दोस्तों उन्होंने यहाँ पे ऐसा कहा है कि जो गेम जो हमारा आने वाला है बैटल रॉयल मोबाइल इंडिया, उसकी जो मार्केटिंग हो रही है वो इंडियन कल्चर के लिए हो रही है, फिर दोस्तों जो हमारा गेम है पर्सनली यहाँ पे इंडिया के लिए बनाया गया, इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे बनाया गया, लेकिन इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या फिर दोस्तों हम लोग ऐसा कहते हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बिल्कुल क्राफ्टन कंपनी या फिर दोस्तों कहते हैं जो कोरिया के पीपल हो गए या फिर दोस्तों जो कोरिया गवर्नमेंट हो गई उसके हिसाब से यहाँ पे रखे गए हैं। एंड ऑब्वियसली बात है दोस्तों अगर गेम हमारा पर्सनली हमारे इंडिया के लिए बनाया गया है तो ऑब्वियसली बात है गाइस वो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। एंड गाइस जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे ऐसा लिखा गया है जो हमारे सर्वर बनाया गया यहाँ पे इंडियन सिंगापुर के अंदर, वहाँ पे दोस्तों ऑब्वियसली बात है जान पड़ताल की जाए ताकि जो हमारे प्राइवेसी होती है, जो हमारा डाटा होता है वो अच्छे से यहाँ पे लीक ना हो जाए, किसी भी तरह से यहाँ पे कोई भी चाइनीज कंपनी का हाथ जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उन्होंने पर्सनली यहाँ पे हेडलाइन करके जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है उनको यहाँ पे ऐसा कहा है कि जो क्राफ्टन कंपनी है उसको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के रूप में जो टेंसेंट कंपनी के कितने शेयर है उसके पास उसको यहाँ पे बताना चाहिए, ताकि हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे इस चीज के बारे में पता चल सके कि कितने शेयर जो है या फिर दोस्तों कितना प्रॉफिट जो यहाँ पे टेंसेंट कंपनी को होगा BGMI के आने से, या फिर नॉर्मल तरीके से यहाँ पे कितना प्रॉफिट जो है चाइनीज कंपनी को होता है इस गेम को वापस से हमारे इंडिया के अंदर लेकर आने से, ठीक है। तो गाइस ये सारी बातें इस लेटर के अंदर की गई है, अगर आप लोगों को लेटर पढ़ना तो लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहो तो उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड यस गाइस अगर हम बात करें एट दी एंड लेटर के बारे में, तो लेटर में काफी अच्छी बातें यहाँ पे लिखी हुई आ चुकी है जिसे जानना हम सभी लोगों के लिए भी यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये जो लेटर है अगर यूनियन मिनिस्टर के पास जाता है ऑब्वियसली बात है वहाँ पे अप्रूव होता है, तो ये जो गाइस लेटर होगा ना वो कंप्लीट तरीके से क्राफ्टन कंपनी के पास चला जाएगा, क्राफ्टन कंपनी को सभी सवालों के आंसर जो यहाँ पे देने पड़ेंगे। अगर हम बात करें एट दी एंड गेम के बारे में, तो गाइस गेम तो ऑलरेडी यहाँ पे अप्रूव हो रखा है, ठीक है, गेम को यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी नहीं अगर कोई भी इतना बड़ा काम कर रहा है। एंड ऑब्वियसली बात है जो हमारा गेम है वो ऑलरेडी यहाँ पे देश के अंदर बैन हो चुका है, तो अगर कोई भी कंपनी जो है वापस से किसी गेम को यहाँ पे अनबैन करती है तो वो सारे के सारे दिक्कतों को दूर करके सारे सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं या फिर जो परमिशन होती है उनको लेकर ही वापस से गेम को यहाँ पे लॉन्च करती है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है गाइस सारी चीजें पब्लिकली नहीं की गई है, जैसे ही हमारा गेम आ जाएगा तो सारी बातें पब्लिकली हो जाएगी, सभी लोगों को यहाँ पे जो भी डाउट्स है वो यहाँ पे आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस काफी शॉर्ट एंड काफी सिंपल वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए यहाँ पे, आशा करता हूँ आप लोगों को जो वीडियो है काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।